हम जो मेरिस्टेम है उसको समझने के लिए अलग अलग जो थ्योरियाँ दी गई उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और इस वीडियो में हम जिस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे वो है साइटोहिस्टोलॉजिकल जर्नेशन थ्योरी। साइटोहिस्टोलॉजिकल जर्नेशन थ्योरी, कोशिका उत्तकीय क्षेत्र सिद्धांत, इसको बोलते हैं कोशिका उत्तकीय क्षेत्र सिद्धांत। यह भी प्रोसेस को समझने के लिए, या हम बोले जो सूट एपेक्स है, सूट एपेक्स को समझने के लिए यह सिद्धांत है। यह तो सिद्धांत है जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम फोस्टर था। फोस्टर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, साइटोहिस्टोलॉजिकल जर्नेशन थ्योरी। इसने ये कहा कि प्रोबोसिस जो होती है उसके दो भाग होते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं उसके थ्रू समझते हैं। प्रोबोसिस से हैं उसके दो भाग होते हैं, एक जो ये आगे वाला जो भाग होता है और ये ए भाग होता है। शीर्ष भाग या आगे वाला जो भाग होता है उसको स्मिथ जोन बोलते हैं, स्मिथ जोन। और जो पीछे वाला भाग होता है उसको प्लैंक जोन बोलते हैं। पैरालिसिस को दो भागों में बांटा, स्मिथ जोन और प्लैंक जोन। जो स्मिट जोन जो होता है इसकी जो सेल्स होती हैं, इसकी जो सेल होती हैं वो कम सक्रिय होती है, यानी कि एक्टिव कम होती है। और जो फ्लैंक जोन जो होता है इसकी कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय होती हैं, अर्थात किन कोशिकाओं के अंदर जो यहाँ फ्लैंक जोन की सेल्स हैं उनके अंदर सेल डिवीजन तेज गति से होता है, और ये जो होता है स्मिट जोन उसकी जो कोशिकाएं हैं उसमें सेल डिवीजन मंद गति से होता है। तो इसमें जब सेल डिवीजन तीव्र गति से होगा या फास्ट भी होगा तो ये ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण करेगी, और कोशिकाओं का निर्माण करने के बाद इस प्रकार की दोनों तरफ स्ट्रक्चर बन जाती है, इस स्ट्रक्चर को लीफ प्रिमोर्डिया बोलते हैं। लीफ प्रिमोर्डिया, ये जो पोरोसिस का भाग होता है, ये जो भाग बना है ये जेनेटिक भाग है, जेनेटिक भाग नहीं है, ये जो है काई पार्ट्स हैं, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स बनता है प्लांट्स के अंदर। ये फ्लैंक जोन सक्रिय हुआ यानी एक्टिव हुआ, इसकी सेल एक लीफ प्रिमोर्डिया बन गया, फिर एक्टिव हुआ फिर लीफ प्रिमोर्डिया बन गए। दो क्रमागत लीफ प्रिमोर्डिया जो बनते हैं उनके बीच का जो समय अंतराल होता है उसको प्लास्टोक्रोम बोलते हैं, प्लास्टोक्रोम। दो क्रमागत लीफ प्रिमोर्डिया के मध्य के समय अंतराल को क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्रोम बोलते हैं। हम प्रोबोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो तना है उसका शीर्ष भाग का निर्माण किस प्रकार होता है एपिकल मेरिस्टेम की थ्योरी के अंदर। अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि प्लांट जो होता है उसके शीर्ष भाग के ऊपर ही पुष्प बनता है, और पुष्प क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है प्लांट्स का। तो अब ये तो था वेजिटेटिव चीज, अब यहाँ पर हम ये जो इसका जो कायिक कायिक भाग है ये इसका एक रूपांतरण हो, जननिक रूपांतरण हो, यानी कि कायिक भाग जननिक भाग में रूपांतरित होता है, तो उस समय ये जो चीजें हैं स्मिथ जोन और फ्लैंक जोन इसकी जो क्रिया करने की जो क्रियाविधि है वो उल्टी हो जाती है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये भाग तो कम सक्रिय था स्मिथ जोन का और फ्लैंक जोन का ज्यादा सक्रिय था, लेकिन जब जननिक प्रोबोसिस कायिक प्रोबोसिस जननिक प्रोबोसिस में रूपांतरित होता है तो उस समय जो स्मिथ जोन है ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, स्मिथ जोन एक्टिव हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और ये फ्लैंक जोन जो है उसकी कोशिकाएं कम एक्टिव रहती है। तो स्मिथ जोन के एक्टिव होने से ये जो पार्ट में शीर्ष भाग जो पुष्प में रूपांतरित होगा तो पुष्प का भाग बना लेंगे ये स्मिथ जोन और फ्लैंक जोन। उसमें से जो स्मिथ जोन ज्यादा एक्टिव होगा वो मुख्य रूप से जो है उमंग
जिसको हम एंड्रोसियम भी बोल सकते हैं, एंड्रोसियम बोल सकते हैं, एंड्रोसियम बना लेगा और कार्पल बना लेगा, कार्पल जिसको अंडक बोलते हैं, अंडक और ये एंड्रोसियम है, उमंग यानी कि नर जननांग और मादा जननांग का निर्माण जो है एक्टिव होकर के स्मिट जोन कर लेगा और जो फ्लैग जोन है वो कम एक्टिव होगा। ये जो है ये बाह्य दल, पुष्प के बाह्य दल और दलों का निर्माण कर लेगा, यानी कि सेपल और पेटल का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार जो है जो प्लांट का जो शीर्ष भाग है उस शीर्ष भाग के अंदर दो जोन होते हैं जो वैज्ञानिकों ने बताया, साइटो हिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी, यानी कि सेल्स के बारे में हमने पढ़ा, उत्तक का निर्माण हुआ अलग अलग जोन्स में हुआ, इसलिए इसके कोशिका उत्तकी क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, जिसको फोस्टर ने बताया। एक तो प्रोएसिस के अंदर किस प्रकार बनते हैं और फिर एक ही कायिक प्रोएसिस जो है वो जननी प्रोएसिस के अंदर रूपांतरित होकर के किस प्रकार स्मिट जोन और फ्लैंक जोन जो है वो अलग अलग कार्य करके जो है नर जननांग और मादा जननांग का निर्माण करेंगे और दल और बाह्य दलों का निर्माण करेंगे। ये एक जो थ्योरी थी वो है साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी की बाय फोस्टर। थैंक यू स्टूडेंट।